નેશનલ એવોર્ડ થી સન્માનિત છે શ્રી સરસ્વતી ચંદ્ર. ખૂબ ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે શૈલેન્દ્ર. કવિ શૈલેન્દ્ર વિશેની માહિતીઓ ભેગી કરીને એને સાથે એકઠી કરીને પબ્લિશ કરવાનું કામ પણ લાંબા ગાળે કરશે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અને હવે સાંભળીએ શ્રી સરસ્વતી ચંદ્ર આચાર્ય. बहुत धन्यवाद मेधावीनी जी, आप ऑल इंडिया रेडियो में जिस तरह से करती थी अनाउंसमेंट उतना ही बढ़िया सटीक अनाउंसमेंट आपका है, बड़ी खुशी होती है आपको सुनकर. और मेरा सौभाग्य है कि साधना जी की सभी किताबों का प्रकाशन मुझे मिलता है और इस पुस्तक के प्रारंभ से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ. आपकी जो कोर है ट्रांसलेशन में, भावानुवाद में, भाषांतर में, सबने बात की उसको सही सटीक रूप से, वो कहते हैं सही पकड़े हैं, उस प्रकार से इन्होंने अन्य भाषा में गुजराती में पिरोया है. हमने हिंदी सुना आत्मदाह कविता का, मैं इससे उनका गुजराती आपके सन्मुख प्रस्तुत करता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने सही मायने में शब्दों को पकड़ा है और उसकी आत्मा को प्रस्तुत किया है. आत्मदाह, हूं ते नथी के आवक्ते पण मार्यो जैश, मरीश तो पोतानी इच्छा थी नहीं करीश हूँ आत्महत्या पण बळीश, बाळी नाखीश पोताने, पोते बळशे नहीं कविता, भस्म नहीं थाय एना शब्द अर्थ, केम के हूँ लय मां विलय छू, कविता मां ध्वनि छू, अग्नि छू जीवननी, एटले नहीं बाळी नाखू खुशबू कवितानी. सहन नहीं थाय मारा थी के आवक्ते फरी मार्यो जईश, ते पण ज्यारे नहीं थाय મારી સાથે કવિતા મારી, જો કરવું હોય ચોક્કસપણે જ મારો અંત, તો હું પોતાના કવિતાના અગ્નિથી, લયથી, શબ્દોથી, અર્થોથી બાળી નાખીશ પોતે જ પોતાને કરીશ આત્મદાહ જ્યારે કવિતા સંપૂર્ણ રીતે મારી થઈ ચૂકી હશે. मुझे बहुत साम्यता लगी जब हमने श्री रैना जी का परिचय सुना कि आप में और साधना जी में कहां विज्ञान, कहां साहित्य, नाट्य, ब्रॉडकास्टिंग, कविता, कितनी सारी प्रवृत्ति और विधाओं में आप दोनों ने महारत हासिल की है. और बहुत कुछ मुझे इस प्रकाशन की प्रक्रिया में भी सीखने को मिलता है जब साधना जी के साथ में काम करता हूँ. जैसे आपने बताया कश्मीरियों की एक पूरी पीढ़ी चली गई निर्वासन में और कश्मीरी विस्थापितों ने कभी बंदूक नहीं उठाई, गोली का जवाब गोली से नहीं दिया लेकिन कलम से दिया है. और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कविताओं का भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद हो, सभी लोगों तक पहुंचे और साहित्य के माध्यम से हम कश्मीरियों की चेतना को उजागर करने में निमित्त बने. जिस तरह से कश्मीर फाइल्स हमने देखी है मूवी, इसी प्रकार से ये एक प्रकार की काव्यात्मक रूप में कश्मीर फाइल्स है, काव्यात्मक साहित्यिक अनुभूति है. और आपको सुन के मुझे लगा कि पिताजी का आपके जीवन में मार्गदर्शन, आशीर्वाद, योगदान रहा है और मेरा भी ऐसा ही है. सामान्य रूप से मेरे माता पिता जो आज यहाँ बैठते हैं साधना जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए. और ये सभी प्रकाशन साहित्य उपलब्धियों में उनका प्रमुख योगदान रहा है मेरे जीवन में भी, तो आज मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, सभी मंचस्थ महानुभावों को और उपस्थित महानुभावों को भी प्रणाम करता हूँ. अभी अल्पाहार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है तो कार्यक्रम को संपन्न करने की सूचना दे मेधाविनी जी. जी डॉक्टर दक्षा जी, आपको सबका आभार. डॉक्टर दक्षा जोशी जी ने कम समय में बहुत अच्छे प्रकार से सही रूप में रैना जी की पुस्तकों का अध्ययन करके जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है शब्दों में, उनके लिए, समीक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूँ. डॉक्टर मालती दुबे जी, आप यहाँ बधाई, विद्यापीठ के रूप में आपने प्रतिनिधित्व किया और कम समय में बहुत अच्छा संदेश दिया, आपका बहुत आभार. वासुदेव पाठक जी, जिन्होंने अनुवाद की, साहित्य की, अपने संस्कारों की, शंकराचार्य जी की भाषा की टेक्निकलिटीज को, बारीकियों को
हमारे सन्मुख प्रस्तुत किया, आपका बहुत धन्यवाद। और साथ में मेधाविनी जी, आपका पूरे प्रोग्राम के सुचारू रूप से संचालन के लिए आपका आभार। श्रीमती रैना जी, आप भी सहयोगी रही, आपका धन्यवाद। और नीता व्यास जी, मल्लिका मुखर्जी, मनीषा शर्मा जी, नीलम कुलश्रेष्ठ जी, निशा चंद्रा जी, पहले बोल दिया मैंने उनका पूरा, निशा चंद्रा जी, नमिता सिंह जी बैठी है, नमिता सिंह जी, और श्री डॉक्टर दक्षा जोशी जी के बेटर हाफ श्री भरत दवे साहब, और आप सभी का जिनका मैं नहीं नाम जानता हूँ, उन सब का भी बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के मित्र, टीम मेंबर्स, ज्ञानेंद्र शर्मा जी, नीलेश सोलंकी जी, तत्सम भाई डाक, आप सबका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। आप एक प्रयास करिएगा, इस पुस्तक को आप पाठ्यक्रम में, अपने पता चा ने नाश्ता मांगे, ये 50 कदम दूर।